भागलपुर जिले के लोगों की मांग पर दो नए बस स्टैंड की शुरुआत जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। इन नए स्थानों पर पुराने बस पड़ाव को स्थानांतरित कर दिया गया है। नवगछिया की ओर जाने वाली सभी बसें अब औद्योगिक थाना क्षेत्र 0 माइल स्थित नए बस स्टैंड से खुलेगी, जिसका मतलब बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार की ओर जाने वाली बसें भी अब 0 माइल से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बांका, दुमका, देवघर, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची और मुंगेर जाने वाली बसें बाईपास रिक्शाडी स्थित नए बस स्टैंड से ही उपलब्ध होंगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नए बस स्टैंड को पूर्णतः तैयार कर लिया गया है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं भी तत्परता से प्रदान की जा रही है। इन बस स्टैंड के खुलने से शहर के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, साथ ही नगर बस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनता को शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आवागमन में सुविधा मिल सके। यह नई बस स्टैंड और नगर बस स्टैंड सेवा की शुरुआत शहर के लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाएगी। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में गुरुवार को सीटीएसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो अलग अलग मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी। सीटीएसपी ने जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज के गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इम्तियाज के खिलाफ 10 कांड दर्ज हैं, जबकि इस इनामी अपराधी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। सीटीएसपी राज ने बताया कि बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद मोगलपुरा निवासी मोहम्मद फेकू मियाँ के पुत्र इनामी कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनकी निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को विशेष टीम ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज को राजस्थान के जयपुर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इम्तियाज के विरुद्ध हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, चोरी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई धाराओं में कुल 10 कांड दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने बताया कि हबीपुर थाना क्षेत्र के प्लॉटर राकेश कुमार हत्याकांड समेत कई मामलों में भी वह वंचित था। वहीं एक अन्य मामले में CTSP राज ने बताया कि पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र से बुधवार को छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को देसी पिस्टल एवं 9 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। CTSP ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उनके और CTDSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद नाथनगर थाना क्षेत्र के भगीरथ मंडल के पुत्र भानु कुमार के घर में छापेमारी करने पर पुलिस को वहां से एक देसी पिस्टल, 9 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जबकि मौके से पुलिस ने भानु कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर जिला का टॉप 10 और 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना, इसको राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर पूर्व में 10 आपराधिक कांड दर्ज किए गए थे, जो कि मुख्यतः राकेश हत्याकांड जो बबरगंज जो हबीपुर थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर का से संबंधित है। 7523 ये अन्य मुख्य कांडों में भी अभियुक्त रहा है, जो काजल हत्याकांड था और जो काजल हत्याकांड के जो काजल के पिता हुए आरिफ, उन पर जो है गोली चलाने से संबंधित भी जो है इस पर कांड दर्ज था और इसने अपने कन्फेशन में इस बात को कबूला भी है कि हाँ गोली इसी ने चलाई थी। इससे संबंधित अलग जो बबरगंज 350/22, बबरगंज 175/22 और ऐसे कुल 10 मामले जो कि गंभीर कांड श्रेणी से हैं, हत्या, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, चोरी और अन्य आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट, ये सबसे संबंधित है। इसमें जो हम लोग का एक मिशन चल रहा है आर्म्स रिकवरी को लेते हुए, इस पर लालमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन, प्रभारी थानाध्यक्ष नाथनगर शकील अंसारी, जय कुमार राम, नाथनगर थाना सशस्त्र बल, इन लोगों के द्वारा एक इनपुट के आधार पे एक व्यक्ति भानु कुमार जो कि पिता भागीरथ मंडल जो मथुरापुर नाथनगर के रहने वाले, इस व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल और 9 कारतूस जब्त किया गया है। ये दोनों अभियान जो हम लोग का चल रहा था, इसको हम लोग निगरानी कर रहे थे और DSP सिटी अपने नेतृत्व में ये पूरा कार्य देख रहे थे।
भागलपुर में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरिष्ठ एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की अंतिम समीक्षा की गई। इस दौरान कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि 32,318 कर्मियों का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि महिला मतदान कर्मियों को शहरी क्षेत्रों और उनके पदस्थानों के पास के क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई जाए। प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मास्टर प्रशिक्षकों को 7 और 12 मार्च को प्रशिक्षित किया जाएगा। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही 18,000 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 3 चरणों में कराई जाएंगी। बैठक में विधि व्यवस्था, मतपत्र, ईवीएम, स्वीप और वाहन समेत विभिन्न कोषांगों की समीक्षा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र में स्वीप कर्मियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुछ नई पहलों की जानकारी दी। बैठक में सुविधा, सुगमता और समाधान ऐप की भी समीक्षा की गई। मौके पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर जिले में बीपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों के डिस्पैच सेंटर के लिए एक इंटर स्तरीय महाविद्यालय का निर्माण होगा। इस परियोजना की निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा नवगछिया में कई स्थानों का भ्रमण किया गया। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय कृषि उत्पादन बाजार समिति और इंटर स्तरीय महाविद्यालय में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंटर स्तरीय महाविद्यालय नवगछिया डिस्पैच सेंटर के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बाजार समिति के वाहन पड़ाव स्थल के लिए भी सही उपयुक्त स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस निरीक्षण के माध्यम से नवगछिया के विभिन्न स्थानों की अनुमानित आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो सके। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्ने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 एवं बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले गुरुवार को भागलपुर उप श्रमायुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन जुलूस का नेतृत्व AICWF के राष्ट्रीय महासचिव SK शर्मा और एक्ट 2 के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने किया। इस दौरान श्रम संसाधन विभाग भागलपुर के उप श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक कार्यालय में पुरुष एवं महिला मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए अधिकारियों के समक्ष मांग पत्र सौंपी। प्रदर्शन जुलूस में शादी सहायता, मृत्यु मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा, हित लाभ के भुगतान, निचले श्रम अधिकारियों द्वारा पोषित दलाल बिचौलियों के जरिए मजदूरों से रिश्वत की मांग करना समेत कई मुद्दों पर यूनियन के द्वारा अपनी आवाज बुलंद की गई। वहीं मुकेश मुक्त ने कहा कि जो मजदूर रिश्वत देने से इनकार करते हैं, उनके हित लाभ का भुगतान लटकाने अटकाने का काम किया जाता है, वैसे मजदूरों के आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। वहीं कई अन्य नेताओं ने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार
करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत श्रम विभाग के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बैठक में मजदूरों के हित में जुड़ी कई बातों पर चर्चा करते हुए रिश्वत या भ्रष्टाचार की शिकायत को विभाग द्वारा गंभीरता से लिए जाने की मांग कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। सामाजिक सुरक्षा में यहाँ मजदूर ऑफिस में यहाँ के निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने कभी उच्च स्तर के अधिकारियों को ना सुना है ना मजदूरों की शिकायत है। निचले स्तर का जो अधिकारी है जिसको यहाँ लेबर ऑफिस की भाषा में LEO बोला जाता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हिंदी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इनके द्वारा प्रत्येक प्रखंड में दलाल और बिचौलिया पाला गया है। ये बिचौलिया और दलाल मजदूरों के पीछे लग जाते हैं और कहते हैं कि जब तक दोगे नहीं तब तक तुम्हारे खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो लगातार जो है इसके खिलाफ मजदूर यूनियन आवाज़ उठाते रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज क्या किए? तो आज हम लोगों ने इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम अपनी मांगें अभी मिल करके रखेंगे। एक मांग पत्र हमने तैयार किया है, उसमें मुख्य मांग यही सब है, और उसके बाद जो है तब भी कार्रवाई नहीं होती है तो और ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। भागलपुर से प्रेम का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आपका प्रेम से भरोसा उठ जाएगा। बता दें कि एक दिव्यांग युवक एक लड़की के प्यार के झांसे में ऐसा फंसा कि आज जेल की हवा खाने को मजबूर है, जबकि अपने दिव्यांग पुत्र को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से परेशान उसके पिता और भाई न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल दिव्यांग युवक विकास की नौकरी लगने वाली थी, तभी उसने प्यार के चक्कर में पड़कर एक नाबालिग लड़की से शादी कर लिया जो उसे भारी पड़ गया। किसी वजह से विकास की नौकरी नहीं लग पाई, जिसके बाद मर्जी से शादी करने वाली प्रेमिका ने अपने घर वालों के दबाव में आकर लड़के द्वारा जबरन साथ ले जाकर उससे शादी करने का आरोप लगा दिया। वहीं प्यार में धोखा देने के बाद प्रेमिका ने शादीशुदा होते हुए दूसरे लड़के से शादी रचा ली। इधर भोला टोला निवासी दिव्यांग के भाई कुमोद कुमार का कहना है कि उसके भाई की जब शिवानी कुमारी से शादी हुई थी तो सरपंच के यहाँ शपथ पत्र बना था, लेकिन कोर्ट में उस शपथ पत्र की मान्यता नहीं दी गई और गलत रूप से फंसाकर उसके निर्दोष भाई को केवल नौकरी नहीं लगने के कारण जेल में सजा काटनी पड़ रही है, जबकि शादी दोनों पक्षों की सहमति से हुई थी। बता दें कि 2.5 साल से जेल में सजा काट रहे अपने दिव्यांग पुत्र की रिहाई और दोषी युवती एवं उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की आस में विकास के पिता आज भी प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल उनके और उनके दिव्यांग पुत्र के लिए राहत की कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। शादी नौकरी लगे बुला दिले तब उसने जबरदस्ती शादी करवा दिले पंच के द्वारा। हाँ पंच के द्वारा तो हम सरपंच पहले पूछ लिए ऐसा बात है की करिए, जबरदस्ती कह जाए कि शादी करे ना तो हमारा बेटी जो मरी जी तो थोड़ा दिन हम फंसा दिले। हाँ ठीक है नौकरी हमने बचार नहीं लगले तो लड़की के भगवा करी के केस करवा दे। किस प्रकार का केस किया गया लड़की के प्रति? जी नाबालिग में फंसा, नाबालिग में फंसा। अब क्या बेटा निकला है आपका? बेटा हमारा निकला है। कैसे लेके उसको भागा होगा सर? वही आप लोग चुनिएगा कि कैसे लेकर के भाग सकता है। सर की देखिए हमारा 10.5 लाख खर्चा हो गया। बेटा भी जेल में, बेटा भी जेल में है। प्यार में धोखा मिला? हाँ प्यार में धोखा भी दे दिया बेटा को। बेटा को भागलपुर सनौला प्रखंड के सनोखर पंचायत की मुखिया बेबी कुमारी ने 2,85,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पंचायत सरकार भवन का गुरुवार को नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। पंचायत सरकार भवन शिलान्यास समारोह के मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सनोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण से पंचायत के सभी कार्यों एवं योजनाओं का निष्पादन अब पंचायत स्तर पर हो पाएगा।
जाएगा। इसके लिए किसी भी ग्रामीणों को 30 किलोमीटर दूर सनहौला नहीं जाना पड़ेगा और अब अंचल या प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मौके पर जिला परिषद सदस्य सोनी कुमारी, संवेदक भगवान शाह, विवेकानंद गुप्ता एवं सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे।